हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आज मैं बताऊंगा आपको हार श्रृंगार के औषधीय प्रयोग। दोस्तों, हार श्रृंगार का पौधा यूं तो पूरा ही औषधीय गुणों से भरपूर है, परंतु हार श्रृंगार के पत्ते एवं फूलों का अपना अलग ही महत्व है। तो आइए हम देखते हैं हार श्रृंगार के औषधीय प्रयोग। साइटिका रोग में हार श्रृंगार बहुत ही प्रभावशाली है। 2 कप पानी में हार श्रृंगार के 8-10 पत्तों को छोटे छोटे टुकड़े करके डाल लीजिए। अब इस पानी को धीमी आंच पर आधा रह जाने तक उबालिए या पकाइए। ठंडा हो जाने पर इसे छानकर इसका सेवन कीजिए। इस काढ़े का सेवन दिन में 2 बार प्रातः एवं सायकालीन खाना खाने के भोजन करने के 1.5 घंटे पहले किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग कम से कम 15 दिन तक करने से साइटिका रोग जड़ से दूर चला जाता है, समाप्त हो जाता है। गठिया रोग में भी हार श्रृंगार के पौधे का विशेष महत्व है। हार श्रृंगार के 5 से 7 पत्तों को पीसकर इसका पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को 1 गिलास पानी में मिलाकर धीमी आँच पर पकाइए। जब पानी आधा रह जाए तब इसे पीने लायक ठंडा कर लीजिए। इस काढ़े का सेवन प्रतिदिन प्रातः खाली पेट करने से वर्षों पुराना तक गठिया रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। बवासीर रोग के लिए भी हार श्रृंगार बहुत ही प्रभावशाली है। हार श्रृंगार के बीज बवासीर रोग में रामबाण औषधि माने जाते हैं। हार श्रृंगार के 1 बीज का प्रतिदिन सेवन किया जाए तो बवासीर रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। यदि गुदा द्वार में सूजन या मस्से हो तो हार श्रृंगार के बीजों का लेप बनाकर गुदा द्वार पर लगाने से बहुत ही लाभ मिलता है। गंजेपन में हार श्रृंगार के बीजों को पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को 30 मिनट तक गंजे सर पर लगाएं। इसका प्रयोग लगातार 1 माह तक करने से बालों का झड़ना, रूसी आना में अत्यधिक लाभदायक होता है। ज्वर बुखार में, किसी भी प्रकार के बुखार में हार श्रृंगार का पौधा चमत्कारी प्रभाव दिखलाता है। चिकनगुनिया, डेंगू या मलेरिया, किसी भी बुखार में हार श्रृंगार के पौधे की चाय बनाकर पीने से विशेष लाभ मिलता है। मलेरिया बुखार हो तो 2 चम्मच हार श्रृंगार के पत्तों का रस, 2 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच शहद आपस में मिलाकर प्रातः एवं सायकालीन सेवन करने से मलेरिया बुखार ठीक हो जाता है। स्त्री रोगों में हार श्रृंगार बहुत ही उपयोगी है। हार श्रृंगार की 7 नई कोमल पत्तियां लें, 5 काली मिर्च के साथ मिलाकर इसे पीस लें और प्रातः खाली पेट सेवन करने से विभिन्न स्त्री रोग में फ़ायदा मिलता है। त्वचा रोगों में भी हार श्रृंगार अत्यंत उपयोगी है। हार श्रृंगार की पत्तियों को पीसकर त्वचा पर लगाने से त्वचा संबंधी रोग ठीक होते हैं। त्वचा रोगों में इसका तेल भी बहुत उपयोगी है। बालों में रूसी होने पर 50 ग्राम हार श्रृंगार के बीज पीसकर 1 लीटर पानी में मिलाकर बाल धोने से रूसी समाप्त हो जाती है। इसका प्रयोग कम से कम 4 सप्ताह अवश्य किया जाना चाहिए। पेट के कीड़ों के लिए भी हार श्रृंगार का पौधा बहुत ही उपयोगी है। प्रातः, दोपहर एवं सायकाल 1 चम्मच हार श्रृंगार के पत्तों के रस में 0.5 चम्मच शहद मिलाकर चाटने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसका प्रयोग कम से कम 3 से 5 दिन तक किया जाना चाहिए। हृदय रोगों में हार श्रृंगार के फूल अत्यंत उपयोगी हैं। 1 माह तक प्रातः खाली पेट हार श्रृंगार के 15 से 20 फूलों के रस का सेवन करने से हृदय रोगों में फ़ायदा होता है और हृदय रोग से बचाता है। अस्थमा या अस्थमेटिक रोगियों के लिए हार श्रृंगार विशेष लाभकारी है। अस्थमा में खांसी होने पर 0.5 चम्मच हार श्रृंगार के तने की छाल का चूर्ण बनाकर पान के पत्ते में रखकर चूसने से
अस्थमा एवं खांसी में विशेष लाभ मिलता है। सूखी खांसी होने पर हार श्रृंगार की 2 से 3 पत्तियों को पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर सेवन करने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। मस्कुलर पेन अर्थात मांसपेशियों का दर्द होने पर 2 चम्मच हार श्रृंगार के पत्तों का रस और 2 चम्मच अदरक का रस आपस में मिलाकर प्रातः खाली पेट इसका सेवन करने से मस्कुलर पेन मांसपेशियों का दर्द समाप्त हो जाता है। हार श्रृंगार का पौधा सौंदर्यवर्धक भी है। हार श्रृंगार के फूलों का पेस्ट बनाकर मैदा व दूध में मिलाकर इसका उबटन बनाकर शरीर पर लेप कर लें। 30 मिनट बाद इसे किसी साफ पानी से धो लें। इसके प्रयोग से त्वचा में निखार आता है, त्वचा चमकदार बनती है। तो दोस्तों आप भी इनमें से एक या दो प्रयोगों को आजमा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है, तो कृपया लाइक के बटन पर क्लिक करें। अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे नए वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।